भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप लोगों का इस बार 15 अगस्त मनाया जाएगा, जिसमें 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलेगा, और इसके लिए हर जनपद को कुछ न कुछ लक्ष्य भी दे दिए गए हैं, जिसके तहत जो है विभाग वाले 3000 झंडे, जैसे कि आपके बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कानपुर देहात के हैं, उनके आदेश के मुताबिक राकेश यादव जी के, कि 3000 का जो लक्ष्य है वो महिला बाल विकास विभाग को कानपुर देहात के लिए झंडा फहराने का रखा गया है। तो इस बार क्या होगा उसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें निदेशालय और सचिव स्तर से सारी जो लेटर में जो भी वार्ताएं थी वो आप सबके सामने रख दी थी। अब आप देख रहे हैं डीपीओ महोदय का सीडीपीओ लोगों के लिए एक ये लेटर जो अभी 24 जून को जारी हुआ था। इस आदेश में 24 है या 27 है, जो भी है 27 जून लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा कार्यक्रम चलेगा, यानी हर घर तिरंगा कार्यक्रम। इसमें क्या होगा कि हर घर और हर दुकान प्रतिष्ठान हर जगह झंडा फहराया जाएगा, और इसके लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की एक भावना जागृत हो सके, इसके लिए हो रहा है। तो स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव भी उजागर करना है, और इसीलिए कानपुर देहात को 3000 झंडे फहराने का लक्ष्य दे दिया गया है। अब आंगनबाड़ी बहनों आप सब भी इस ओर ध्यान दें, आंगनबाड़ी जितने भी केंद्र हैं उन पर भी झंडा फहराने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। तो ये झंडा फहराने की फोटो भी ग्रुप में आप सबको शेयर करनी पड़ेगी। झंडा का क्रय जो है वो प्रशासनिक मद में उपलब्ध बजट से किया जाएगा, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, डीपीओ ने सीडीपीओ को साफ साफ बोल दिया है। ऐसे तमाम बाकी जिले जो हैं वहां भी जो है इस तरह से कुछ ना कुछ जिले की आबादी के अकॉर्डिंग लक्ष्य दे दिए जाएंगे और उतने लक्ष्य की जो है पूर्ति की जाएगी झंडा फहरा करके। वहीं अगली खबर पर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ये ट्वीट किया गया है कि प्राइमरी के बच्चों को कॉपी और पेंसिल का पैसा मिलेगा। ये जो ट्वीट है 27 जून को, आपको बता दें कल 9:05 पर AM पर ये ट्वीट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पढ़ाई में मदद के लिए राज्य सरकार का एक जो है ये बड़ा कदम है कि यहाँ पर प्राइमरी के बच्चों को कॉपी और पेंसिल का पैसा भी सरकार अब देगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिल रही हैं, और वैसे भी आपको पता है बुनियादी शिक्षा हर किसी को फ्री में मिलनी चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 1,73,00,000 जो है छात्रों का नामांकन हुआ था सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 2021-22 में। अभी कह रहे हैं कि 10,00,000 छात्र थे पिछले सत्र में सहायता प्राप्त स्कूलों में, इस वर्ष 2,00,00,000 नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, बच्चों को इससे मदद मिलेगी। अभी तक छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएँ ही जो है दी जाती थी निःशुल्क में, लेकिन अब यहाँ पर ये भी मिलेगा। अब कुल 1,800 करोड़ का इस बार बजट है, और इस वर्ष प्रति छात्र 100 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है कॉपी और पेंसिल का भी पैसा देगी। बताया जा रहा है कि अब कॉपी पेंसिल के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस सत्र में राज्य सरकार यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के साथ साथ स्टेशनरी और पेंसिल का भी पैसा देगी। इसके लिए 100 रुपया DBT के रूप में दिए जाएंगे, 1,100 रुपये की जगह 1,200 रुपये देने की तैयारी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, इसका लाभ जो है लगभग 2.25 करोड़ बच्चों को मिलेगा। कॉपी पेंसिल के साथ पेन भी खरीद सकेंगे बच्चे। 100 रुपए में विद्यार्थी को 4 कॉपी, 2 पेंसिल, 2 पेन और 2 रबड़ और 2 शार्पनर्स खरीदना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं दी जाएंगी, लेकिन जो है बड़ी कक्षाओं में कॉपियों की जरूरत होती थी। अभी तक कॉपी पेंसिल के लिए अभिभावकों को अपना पैसा खर्च करना पड़ता था,
कुछ जगहों पर शिक्षक अपने निजी प्रयासों से कॉपी पेंसिल मुहैया करवा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 100 रुपया इसके लिए अलग से देने का जो है ऐलान किया है, यानी अब वो देने जा रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 2 जोड़ा यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपया, स्कूल बैग के लिए 170 रुपया, जूते मोजे के लिए 125 रुपया और स्वेटर के लिए यहाँ पर 600 रुपया और ये कुछ जो है दिए थे, यानी कि कुल 1100 रुपया, लेकिन अब इसको बढ़ा करके यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया है। तो अब देख रहे हैं इसीलिए यहाँ पर 1800 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी किए जाए, 1800 रुपये बता रहे हैं, 1800 करोड़ है ये टोटल बजट वाले ये पैसे हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें कुछ आने वाले समय में देखने को यूपी में मिलेंगी। माया दी बहन आती सीतापुर से और इन्होंने देखिएगा मछेरटा में अपने वहाँ माया बहन ने ये कुछ अपने अभिलेख यानी रजिस्टर बनाए हैं, जैसे कि एक ये टीकाकरण का पंजिका इनका हो गया, ऐसे ही आप देख रहे हैं अगला इनका ये जो है विटामिन ए से जुड़ा हुआ रजिस्टर इनका है, साथ ही साथ अगला इनका जो है यहाँ पर संदर्भ सेवाओं को लेकर के जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ एक इनका ये गर्भवती और जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे जो है गर्भावस्था एंड प्रसव रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है कि पंजिका उनका बनाया हुआ है, साथ ही यहाँ पर 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक पंजिका है और 0 से 2 वाले भी शामिल हैं और 3 से 5 वाले भी शामिल हैं। बाकी देखिएगा यहाँ पर ड्राई राशन वगैरह का एक प्रपत्र है, तो यहाँ पर वितरण पंजिका ड्राई राशन वाली ये उनको उनका बनाया गया और एक ये ड्राई राशन वाला देखिए सन भी पड़े हैं, ये इनका मंथ अक्टूबर 2020 से लेकर के आगे का है और ये इनका जो है अप्रैल 2022 का है और इस तरह से जो है ये इनका जो है अक्टूबर 2021 वगैरह से आगे का है, इस तरह से इनके कुछ पंजिकाएं हैं जो उन्होंने बनाई हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं आशा बहन आती हैं गाजीपुर से और 27 जून को कल गाजीपुर में डीपीओ महोदय का एक लेटर आया था और ये लेटर आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने पोषण पाठशाला का जिक्र किया है और पोषण पाठशाला जो कि आप सबकी 30 जून को मनाई जाएगी अपराहन 12 बजे से 2 बजे जो है ये सब किया जाएगा, इसका आयोजन होगा। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं पोषण पाठशाला के एक नए सरकारी आदेश के बारे में। तो ये है आपका पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों निदेशालय से जारी आप सबके लिए 24 जून का आदेश जो उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा गया है। पोषण पाठशाला जो 30 जून को मनाई जाएगी उसके संबंध में है। इसमें लिखा है कि यहां पर पोषण पाठशाला का आयोजन जो है अभी किया जाना है जून महीने में 30 तारीख को देखो होगा, 12 बजे से 2 बजे होगा, NIC के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सब किया जाएगा और इस कार्यक्रम की जो मुख्य थीम रहेगी वो प्रभावी स्तनपान हेतु सही तकनीकी के बारे में रहेगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो भी वेबकास्ट होगा इस कार्यक्रम का यानी प्रसारण जो होगा उसके लिए वेब लिंक दे दी गई है जो कि webcast.gov.in/up/ICDS के नाम से है, इस पर सर्च करेंगे तब भी वहीं पहुंच जाएंगे। इस लिंक के माध्यम से कोई भी लाभार्थी या आम जनमानस इस कार्यक्रम से जुड़ सकेगा और पोषण पाठशाला के आयोजन के संबंध में और भी यहां पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि ये सब लिखे हुए हैं। मुझे लगता है आप सबको एक बार मैं इसके बारे में बता चुका हूं, खैर नहीं अगर देखा है आपने तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो अभी हम यहां पर मेन पॉइंट पर आते हैं नीचे जो कि आंगनबाड़ी बहनों आप सबसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर से लेकर के लिखा है विभाग के अन्य सभी मुख्य सेविकाएं आशा आशा संगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। तो जो ये लिंक है इस कार्यक्रम की 30 तारीख वाले वो सब आपको विभाग द्वारा खुद ही ग्रुपों में भेजी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपने स्मार्टफोन के द्वारा वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी और समस्त कार्यकर्ती अपने केंद्र पर पंजीकृत अंतिम त्रैमास की जो गर्भवती महिलाएं हैं धात्री माताएं हैं उनके अभिभावक की उपस्थिति में सुनिश्चित करेंगी और जो लाभार्थी किसी कारण से केंद्र पर नहीं आ पाएंगे वे यथासंभव यानी कि अगर हो सके तो अपने घर से ही वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से वो जुड़ जाएंगे, उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध होगी अगर तभी हो पाएगा। कार्यकर्ती के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज हो, आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पीने के लिए पानी भी हो स्वच्छ, ये सब चीजें आपको वहां पे ध्यान देनी है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर वेबकास्ट के समय पोषण पाठशाला का एक संक्षिप्त बैनर भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें केवल पोषण पाठशाला आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का उल्लेख होगा। बैनर पर पोषण पाठशाला व दिनांक व थीम ये सब वहां पर अंकित होगा ताकि आगामी पोषण पाठशाला के आयोजन के समय उक्त बैनर का पुनः उपयोग फिर से किया जाए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे इनका कहना है यहाँ पर आंगनबाड़ी मिनी सहायिका और मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर
यहां पर बोला जा रहा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा सभी सुपरवाइजरों को, आंगनबाड़ी बहनों को, मिनी बहनों को और सहायिका बहनों को, आशा बहनों को, आशा संगिनी बहनों को, इनको इस कार्यक्रम का वेब लिंक और दिशा निर्देश ससमय प्रेषित किया जाएगा। तो जो आपको लिंक भेजने की जिम्मेदारी है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ की है। अब उनके जरिए, डीपीओ के जरिए आपके ग्रुपों में खुद ही पहुंचाई जाएगी लिंक। बाकी आप देख सकते हैं ये यहां पर चीजें बताई जा रही हैं। कार्यकर्ता बहनें वेब लिंक के माध्यम से जुड़ेंगी और अपने 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 साथ अपने लाभार्थियों की उपस्थिति भी वहां पर सुनिश्चित करेंगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसका प्रचार प्रसार कराने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। जो भी समाचार पत्र हैं उनमें निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस तरह से सूचना प्रेषित किए जाने का भी एक प्रारूप आया है, जिनमें पोषण पाठशाला कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाली कार्यकर्ती और मिनी कार्यकर्तियों की कुल संख्या, साथ ही साथ आप देख रहे हैं लाभार्थियों अभिभावकों की भी यहां पर कुल संख्या देखी जा रही है। और यहां पर एनआईसी में प्रतिभाग किए गए अधिकारी कर्मचारी लाभार्थी अभिभावक इनकी कुल संख्या कितनी है, तो यहां पर इस तरह से ये उससे जुड़ा हुआ एक प्रारूप है। बाकी प्रश्न पूछे जाने का प्रारूप भी है, तो आप यहां पर देखिए प्रश्न यहां पर एक कालम बना है, लाभार्थी का नाम डाल लेना है, पति का नाम, लाभार्थी का विवरण भर लेना है, पता भर लेना और मोबाइल नंबर भर लेना है। उक्त थीम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर कोई प्रश्न प्रेषित न किए जाएं। तो जो भी ये थीम है जिस पर ये आपका पोषण पाठशाला आयोजन होना है, उसी थीम से रिलेटेड आपके लाभार्थियों के जो भी प्रश्न होंगे उनको इस तरह प्रारूपों पर लिखना है। और बाकी जो है अन्य मुद्दे के जो है इस थीम के अलावा कोई भी प्रश्न न किए जाएं। साथ ही लिखा हुआ है कि 30 जून को पोषण पाठशाला कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जनपदों में व्यापक प्रचार प्रसार करवाओ और इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। डॉक्टर सरिका मोहन निदेशक हैं उत्तर प्रदेश में और उनकी तरफ से की लेटर जारी हुआ। वहीं पर एक जो है कॉन्सेप्ट नोट भी आया है, पोषण पाठशाला दिनांक 30 जून के लिए प्रभावी स्तनपान हेतु सही तकनीकी, ये आपका विषय है, यही यानी आपकी थीम है। तो थीम आप यहां पे एक बार याद कर लें कि प्रभावी स्तनपान हेतु सही तकनीकी इस तरह से रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ICDS लाभार्थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित लगभग 22 लाख लोगों ने भाग लिया, जो स्तनपान के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था। तो अभी देखो 26 मई 2022 को पोषण पाठशाला की शुरुआत हो गई थी। तो वहीं पर जो है NIC वगैरह में जो जिसको सूचना विज्ञान केंद्र बोलते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, तो वेबकास्ट के रूप में वहां पर प्रसारण किया गया था। उसमें पहले सत्र में 22 लाख लगभग लोगों ने जो वहां पर भाग लिया था। तो इस तरह से इस बार और ज्यादा हो जाएंगे, तो आप लोगों को इस ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें देखो यहां पर यही स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए उससे जुड़ी हुई सारी जो भी चीजें हैं वो सब यहां पर बताई जाएंगी और समझाया जाएगा, इसके लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। तो इसके बारे में आप सब बेहतर तरीके से खुद ही जानते हैं। बाकी वेबकास्ट के जो है रूपरेखा नीचे दी गई है वो आप यहां पे देख सकते हैं। कंगारू मदर केयर का प्रदर्शन होगा, क्यों दें, कैसे दें, कब दें, कौन दे सकता है, इस तरह से सब चीजें हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको पढ़ भी सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी आगे ले चलते हैं, आपको बता दें ये जानकारी साधना बहन मिर्जापुर से आती है, उनके द्वारा भेजी गई थी। कुछ बहनें हैं जैसे शांति साख के हैं कासगंज से, उनके वहां से की फोटो आई थी। और ये है वनीता इटावा से, साथ ही साथ एक ही है निशा खातून जो की हैं जालौन से, और इनके अलावा भी हमारे पास कुछ बहनें हैं जिनकी फोटो हमारे पास आई हुई हैं। अभी एक मिनट बस आप रुकिएगा, ये थोड़ा स्लाइड हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बहन है अनीता यादव रामपुर से, और इनके अलावा एक ये बहन आती हैं मंजू सिंह सुल्तानपुर से, साथ ही साथ ये सुधा सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा ये सूरजकली रायबरेली से, और इनके अलावा ये मधु फतेहपुर से, साथ ही ये हैं मुन्नी शाहजहाँपुर से, और एक ये बहन है तनवीर जहाँ आजमगढ़ से, लास्ट में ये हैं बबिता मौर्या कौशाम्बी से। तो आज का वीडियो शाम का यहीं तक, और पोषण पाठशाला जो 30 जून को मनाई जाएगी उसके बारे में आप सब बहनों को अभी आज फिर इस वीडियो में पता चल गया। बाकी इसके बारे में पिछले कुछ दिन पहले भी आपको सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। उम्मीद है पोषण पाठशाला के बारे में आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लिंक आपको विभागीय ग्रुपों में खुद ही भेजी जाएंगी, उसके लिए आप